हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर ये हमारी इकनॉमिक सीरीज जो चल रही है इसका लेक्चर नंबर फिफ्टीन है प्रीवियस लेक्चर में हमने एनपीए और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनकी बात की थी और आज का जो लेक्चर है ये भी कहीं ना कहीं एन से या बैंकिंग रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर हम बात करेंगे बेसल नॉम्स की कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री तो ये बेसल नॉम्स क्या हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके अलावा इसी से जुड़े कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड असट रेशियो ये सब चीज़ें जानेंगे कुछ इसी से रिलेटेड टर्म्स जो प्रोविजनिंग रेशो वगैरह है इनको भी हम यहाँ पे देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माय नेम इज़ राहुल भरद्वाजी मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पी ऑफ द सेशन विल भी अवेलेबल है इसके अलावा पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो जो यू या आपके स्टेट पी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं करंट अफेयर अपडेट्स हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कराता है वन पॉइंट सोल्यूशन घर बैठे आप पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं और अन अकेडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको फ्लैट ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिया जा रहा है यू कैन यूज द कोडर बी आई टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस यहाँ पे यह जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है इसका मतलब प्रीमियंस और ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है वो फोर्टी नाइन थाउजेंड की फीस के साथ आपकी पूरी हो जाती है कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं इसके अलावा प्रलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही है बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ 28 नंबर ऑफ टेस्ट आपको दिए जाते हैं सिक्स मंथ के लिए 3000 की फीस के साथ में और 56 नंबर ऑफ टेस्ट वन ईयर के लिए 4000 की फीस के साथ आपको ऑफर किए जा रहे हैं अगेन लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए बेसल नाम की बात करें तो ये बेसल जो है ये वर्ड जो आ रहा है तो बेसल हेडक्वार्टर भी है सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर और यह हेडक्वार्टर है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बी आई एस ये बी आई एस क्या है जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनका भी बैंक एक तरह से आप मान सकते हो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है आर बी आई इज़ द सेंट्रल बैंक तो इंडिया में जितने भी बैंक हैं उनका रेगुलेशन आर बी आई करता है उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना ये सारी चीज़ें रेगुलेशन के रिगार्डिंग तो वर्ल्ड के अंदर जितने भी जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन सभी ने मिलकर ये बी आई एस को एस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये बी आई एस इन्होंने एस्टेब्लिश किया मोटिव क्या था मोटिव यही था कि इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉपरेशन इंश्योर करना एज फार एज फार्मूलेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स जो भी फाइनेंशियल कॉपरेशन हो गया मॉनेटरी कॉपरेशन हो गया इसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाने हैं तो सभी देश साथ मिलकर ऐसे स्टैंडर्ड बना सकें ताकि ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे है ना कोई भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन ना हो पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए पहले से ही उसको मैनेज कर लिया जाए तो इस पर्पस के साथ बीआईएस को बनाया गया ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जिसका हेडक्वार्टर बेसल में स्थित है अब यहाँ पे जो बेसल गाइडलाइंस दी गई हैं वो एक तरह के सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स हैं या जो बेसल नॉर्म्स जिन्हें हम जानते हैं ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉर्मुलेट किए गए इसी की एक कमेटी है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ओके बैंकिंग बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इसके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने फार्मूलेट किए और वो स्टैंडर्ड जो बैंकों से रिलेटेड है बैंकों में रिस्क के असेसमेंट से रिस्क को कम करने से रिलेटेड है या ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें क्योंकि तो बैंक भी फाइनेंशियल सिस्टम का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो बैंकों के अंदर रिस्क को कम करना या फाइनेंशियल सिस्टम में रिस्क को कम करना जो भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करना उससे रिलेटेड रेगुलेशंस को बनाना स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना ये सारे काम ये बी ने एस्टेब्लिश किए इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स इस बी के द्वारा बनाए गए जिन्हें हम बेसल नॉर्म या बेसल अकॉर्ड के नाम से जानते हैं द पर्पज ऑफ द अकॉर्ड इज़ टू इंश्योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव इनफ कैपिटल स्पेशली जो बैंक्स हैं उनके पास में इनफ पैसा रहे ताकि वो अपने जो ऑब्लिगेसन हैं उनको फुलफिल कर सकें है ना या फिर जो भी उनको लॉस हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर सकें ऐसा ना हो कि बैंक जो हैं इतना ज़्यादा पैसा आगे लोन के रूप में दे रहे हैं जितना उनके पास डिपॉजिट नहीं है या काफ़ी ज़्यादा बैंकों को लॉस हो रहा है उनके एनपीए बढ़ रहे हैं बैड लोन बढ़ रहे हैं फिर भी वो आगे पैसा देते जा रहे हैं फिर सिचुएशन ऐसी आती है कि बैंक जो है फेल हो रहा है है ना और फिर एक रिपल इफेक्ट भी आता है कुछ फाइनेंशियल बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर फेल होना स्टार्ट होते हैं तो पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो इस वजह से इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे इन्होंने सेट किए जिसे नाम दिया गया बेसल नॉम्स इंडिया ने बेसल अकॉर्ड को एक्सेप्ट किया हुआ है फॉर बैंकिंग सिस्टम हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए इसको भी हम जानेंगे तो ये जो बेसल नॉर्म्स हैं ये कुछ पार्ट्स में आए सबसे पहले बेसल वन बेसल वन नॉर्म्स आए जो 1988 के अंदर लाए गए अगेन बी ने इसको इंट्रोड्यूस किया सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्टर था वो था क्रेडिट रिस्क देखिये जो बैंक हैं उनके काफी सारे रिस्क रहते हैं कुछ उनके ऑपरेशन से रिलेटेड है ना ऑपरेशनल रिस्क होते हैं जिस तरीके से बैंक फंक्शन कर रहे हैं उनके इंटरनल फंक्शनिंग वगैरह है वो चीज़ें हो गई कुछ होता है मार्केट रिलेटेड रिस्क ठीक है लेकिन यहाँ पे जो बेसल फर्स्ट वाले जो नॉम्स आए इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया दे फोकस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द क्रेडिट रिस्क क्रेडिट मतलब जो बैंक लोन दे रहे हैं आगे उसके ऊपर उससे रिलेटेड जो रिस्क है उनको यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया और इन्होंने क्या किया बेसल वन नॉम में कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम को इंक्लूड यहाँ पे किया और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि रिस्क वेटेड असेट के कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्होंने कहा कि इतना आपको प्रोविजनिंग रखना है है ना जैसा आप देखेंगे कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फिक्स्ड एट एट परसेंट ऑफ द रिस्क वेटेड असेट तो ये कह रहे हैं कि एट परसेंट किसका रिस्क वेटेड असेट का एक परसेंट आपको प्रोविजनिंग रखना है तो पहले रिस्क वेटेड असेट हम समझते हैं फिर इसी से रिलेटेड कंसेप्ट निकलेगा कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेटेश सी आर वाला ये दोनों इसी से रिलेटेड हैं इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये जो रिस्क वेटेड असेट है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं देखिए बैंक जो है लोन देते हैं काफ़ी सारे लोन बैंकों ने दे रखे हैं तो बैंक ने यहाँ पे गवर्नमेंट को भी लोन दिया हुआ है ठीक है तो गवर्नमेंट को अगर बैंक लोन देती है तो उसका रिस्क फैक्टर क्या होगा रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा सोवरन वो है तो गवर्नमेंट तो पैसा लेके कहीं नहीं जा रही ना इस तरीके से हम समझते हैं तो इसमें रिस्क प्रोफाइल इसकी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई है जीरो के बराबर हो गई है वहीं दूसरी किसी कंपनी को किसी बिजनेस हाउस को ये लोन देते हैं है ना और किसी एक और बिजनेस हाउस को भी ये लोन यहाँ पे देते हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड है अब यहाँ पे फर्स्ट वाला जो बिजनेस हाउस है जिसे बैंक ने लोन दिया है इसने क्या किया हुआ है कुछ कॉलेट्रल बैंक के पास रखा हुआ कुछ है कुछ सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं और दूसरा वाला है यहाँ पर वो सिक्योरिटीज़ इतनी एडिक्यूएट नहीं है है ना जिस तरीके से हैं तो यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है जैसे गवर्नमेंट वाले में तो मिनिमम है फिर बिजनेस फर्स्ट वाला बिजनेस है इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ गया है और थर्ड सेकेंड वाला है इसके अंदर रिस्क फैक्टर और ज़्यादा है तो ये जो रिस्क आ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं असेसमेंट कर रहे हैं रिस्क को वेट कर रहे हैं कि कहाँ पे किस तरीके से रहेगा तो इस तरह से जो बैंक है उसके जितने भी लोन्स हैं वहाँ पे एक वेटेड एवरेज इनका निकाला जाता है जिससे हम कहते हैं रिस्क वेटेड असेट आपके कितने हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवेलुएशन रिस्क जो प्रोफाइल है उसको इवेलुएशन किया जाएगा और फिर ये बताया जाएगा कि रिस्क वेटेड असेट आपके कितने हैं तो ये जितने भी रिस्क वेटेड असेट निकलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्क वेटेड असेट आपके हो गए फिफ्टी लाख किसी भी बैंक के फिफ्टी लाख रुपीज़ हो गए तो उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज के रूप में मान लीजिए जैसे हम हाँ पे कहते हैं कि पंद्रह लाख हो गया है ना पंद्रह लाख रुपये बैंक ने क्या किया हुआ है अपने पास इतना पैसा रखा हुआ है इतना पैसा प्रोविजनिंग के रूप में रखा हुआ है कि ये जो रिस्क वेटेड अट है इसके कंपैरिजन में हमने ये इतना पैसा अपने पास रखा है तो ये मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे यहाँ पर इन्होंने आठ बताया इस केस में ये कितना हो जाएगा आई थिंक थर्टी परसेंट यहाँ पर हो गया ठीक है ना तो ये थर्टी परसेंट हो रहा है तो ये रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि आठ परसेंट ही होना चाहिए लेकिन आपका तो बहुत ज़्यादा हो रहा है थर्टी परसेंट हो रहा है क्लियर अगर यहाँ पे पाँच होता है तो भी टेन परसेंट होगा अगर पाँच लाख रखते हैं तो भी इससे रिक्वायरमेंट से, से ज़्यादा हो गया तो इस तरीके से ये मतलब है और इसी को हम कैपिटल एडिक्यूएसी रेशो भी कहते हैं कैपिटल एडिक्यूएसी रेशियो क्या होता है अगर आप इसे फार्मूला के रूप में देखेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो भी कहा जाता है मतलब सी ए आर और सी आर ए आर एक ही है पहले तो ये ध्यान रखिए और इसमें क्या होगा ये एक परसेंटेज के रूप में आ रहा है किसके रिस्क वेटेड असेट के परसेंटेज के रूप में आ रहा है रिस्क वेटेड असेट के परसेंटेज के रूप में आ रहा है टायर वन टायर टू भी मैं क्लियर करूंगा पहले आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को समझिए इट इज द रेशो ऑफ बैंक कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड असेट्स है ना तो इसके जो रिस्क वेटेड असेट हैं उसके कंपैरिजन में जो बैंक के ने अपने पास में कैपिटल रखा हुआ है एडिक्वेसी रेशो मतलब इतना एडिक्यूएट आपके पास में कैपिटल है टू तो कवर दैट पर्टिकुलर रिस्क जैसे फिफ्टी हमने यहाँ पे फिफ्टी लेख लिया था मान लीजिए बैंक के पास किसी के पास पाँच लाख है किसी के पास दस लाख है तो उस हिसाब से ये हो जाएगा यहाँ पे दस परसेंट हो गया दस लाख रखा है तो यहाँ पे बीस परसेंट हो गया पंद्रह लाख है तो तीस परसेंट हो गया ठीक है तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इस तरह से आते हैं अब यहाँ पे जो हम ये पैसा ले रहे हैं कहीं पे पाँच लाख कहीं पे दस लाख कहीं पे पंद्रह लाख है ना तो ये जो ऊपर पैसा आ रहा है इसको भी इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया टायर वन और टायर टू कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड यहाँ पे कर दिया मान लीजिए किसी बैंक का कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो तीस है है ना तीस का क्या मतलब हो गया हम रिस्क वेटेड असेट को मान लेते हैं रिस्क वेटेड असेट हो गया फिफ्टी लैख और ऊपर जो आ रहा है वो फिफ्टीन लैख आ रहा है ना तो इसको अगर इस तरीके से हम निकालेंगे वी गेट थर्टी अगर ये जो पंद्रह लाख यहाँ पे आ रहा है इसको मैं ऐसा लिख दूँ दस प्लस पांच दस प्लस पांच ये दस लाख जो है टायर वन कैपिटल है और पांच लाख टायर टू कैपिटल है इसका क्या मतलब होगा टायर वन कैपिटल होता है किसी भी बैंक का कोर कैपिटल कोर कैपिटल है ना जो डिस्क्लोज असेट होते हैं जो भी उनका रेवेन्यू है प्रॉफिट्स हैं या जो शेयर कैपिटल है वो सारी की सारी टायर वन के अंदर आती है मतलब ऐसी कैपिटल टायर वन कैपिटल क्या है विच कैन एब्जॉर्ब द लॉसेज विदाउट बैंक बींग रिक्वायर टू सीज द ट्रेडिंग मतलब बैंक को अपने ऑपरेशन बंद करने की जरूरत नहीं है उस आ, कैपिटल के माध्यम से बैंक जो है आसानी से वो पैसा अवेलेबल करा सकता है तो टायर वन कैपिटल क्या हो गई कोर कैपिटल हो गई जो उसके पेड अप कैपिटल है ऑर्डिनरी शेयर वाली कैपिटल है जो एस एल आर के अंदर पैसा रखा होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हमने पढ़ा था स्टेट्यूटरी रिजर्व हमने पढ़े थे सी आर आर एस एल आर वाला याद रखिए तो एस एल आर के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं जैसे हमने देखा था कि कुछ कैश भी होता है ना कुछ वहाँ पे आपका गोल्ड में भी होगा कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी होंगी तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसका कोर कैपिटल टायर वन कैपिटल आएगा उसको यूज़ करने के लिए इसको अपने जो है फंक्शन को बंद करने की जरूरत नहीं है ये जनरली डिस्कलोज असेट होते हैं डिस्कलोज रिजर्व होते हैं जिनको बता के रखा जाता है टायर टू कैपिटल में क्या होता है जनरली ये जो है नॉन डिस्कलोज होते हैं इनको असरटेन करना भी मुश्किल होता है और इसको ये टायर टू कैपिटल में वो पैसा आएगा जिसको अगर आपको लेना है तो बैंक को हो सकता है अपने ऑपरेशन अपनी फंक्शनिंग को बंद करनी पड़े ठीक है ना तो यहाँ पे टायर टू कैपिटल में वो आपका पैसा आएगा इसमें अनडिसक्लोज रिजर्व या टायर टू के अलावा जो भी चीज़ें हैं टायर टू में आ जाएगी सब ऑर्डिनेट डेट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी तो बैंक को यहाँ पे बेसल नॉर्म में इन्होंने क्या किया बेसल नॉर्म में इन्होंने कहा कि रिस्क रिस्क वेटेड जो असेट रेशो है इसको वापस से एक बार देख लीजिए ये कह रहे हैं कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो क्या होगा जो आपके रिस्क वेटेड असेट हैं इसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज के रूप में आपका रहेगा तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कहा कि कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो किसी बैंक का थर्टी परसेंट है तो वही एग्जांपल वापस लेते हैं ये पचास लाख आपका है और ऊपर पंद्रह लाख है ये जो पंद्रह लाख है इसको टायर वन टायर टू में आप बांटोगे तो दस प्लस पाँच इस तरीके से करके आएगा तो आपको क्या करना है जो पूरा का पूरा पैसा आप प्रोविजनिंग के लिए रख रहे हो अंडर द बेसल नॉर्म्स जो भी आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये दो पार्ट में आपकी पूरी की जाएगी कुछ पार्ट इसका क्या होगा कैपिटल वन के रूप में होगा टायर वन कैपिटल के रूप में होगा और कुछ पार्ट टायर टू कैपिटल के रूप में होगा ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्यों जरूरी है कैपिटल एडिक्यूसी रेशो क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि आपको पता चल गया कि रिस्क वेटेड असेट रेशो फिफ्टी लैख है है ना पचास लाख के अंदर रिस्क आपका ज़्यादा है अगर ये पचास लाख में से कुछ भी डूबता है मान लीजिए यहाँ पे आ, रिस्क आपका है मान लीजिए पाँच लाख रुपए आपके आ, इस तरह से चले जाते हैं तो बैंक के पास में एडिकुएट कैपिटल होना चाहिए इतना पैसा होना चाहिए कि वो इस रिस्क को एब्जॉर्ब कर सके फाइन अगर बैंक के पास पैसा नहीं होगा बैंक लॉस में चला जाएगा तो हो सकता है बैंक बंद हो जाए इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उन सब चीज़ों को बचने के लिए ओके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक तरह के क्वेश्चन के रूप में इसको डेवलप किया जाता है ताकि बैंक जो है इंसॉलवेंट ना हो जाए है ना बैंक के पास पैसा अवेलेबल रहे टू एब्जॉर्ब दीज लॉसेस इस पर्पज से ये कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो आपका बनाया गया इसी कैपिटल एडिक्यूसी रेशो को कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो कहते हैं क्योंकि ये एक तरह का क्या है रिस्क वेटेड जो असेट है इन्हीं का एक प्रपोर्शन है जो कैपिटल के रूप में बैंक अपने पास रख रहा है अब बेसल टू नॉर्म आए तो मेन जो काम था क्रेडिट वाला वो तो उसने कर दिया था अब बेसल टू नॉर्म्स जो आएंगे इसके अंदर और जो दूसरे रिस्क हैं जैसा हमने शुरू में बात की थी कि क्रेडिट रिस्क होता है उसको तो इसने ले लिया लोन रिलेटेड जो रिस्क हैं वो रिस्क किसने बात की बेसल टू नॉम ने क्या कहा कि क्रेडिट रिस्क है इसको तो हम ले ही रहे हैं इसके अलावा हम मार्केट रिलेटेड जो रिस्क हैं उनकी भी बात करेंगे इसके अलावा हम ऑपरेशनल जो रिस्क हैं उनकी भी बात करेंगे ऑपरेशनल रिस्क को डील करने के लिए डेफिनेटली इंटरनल प्रोसेस जो होते हैं बैंक के उसमें रिफॉर्म की जरूरत होगी तो एक तरह का अपडेटेड वर्जन इन्होंने बेसल टू में दिया जो दो के अंदर आपका आता है दो हजार चार में आता है कैपिटल एडिक्यूसी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन की बैंक्स शुड मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल एडिक्यूसी रिक्वायरमेंट ऑफ एट परसेंट एट परसेंट यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया और ये जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट रिस्क को यहाँ पर इन्होंने ले लिया था बेसल वन में ठीक है मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपका एट परसेंट इन्होंने मैंशन किया इसी तरह से जब हम बेसल थ्री में जाएंगे तो इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को ये इंक्रीज कर देंगे सुपरवाइजरी रिव्यू में क्या होगा बैंकों का जो इंटरनल प्रोसेस है उसको रिव्यू किया जाएगा है ना मार्केट रिलेटेड रिस्क को भी देखा जाएगा तो एक तरह से जो रिस्क प्रोफाइल है उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में बेसल टू नॉर्म्स लेते हैं मार्केट डिसिप्लिन को भी इन्होंने यहाँ पे एड किया है अब 2010 के अंदर बेसल थ्री नॉर्म आते हैं इतनी जल्दी बेसल नॉर्म बदलने की जरूरत क्या पड़ी जरूरत पड़ी 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बैकड्रॉप के अंदर ये बेसल थ्री नॉर्म्स लाए गए क्योंकि यहाँ पे इनको ये लगा कि जो भी हमने प्रोविजनिंग कर रखी थी है ना जैसे आठ परसेंट का ये बफर दे रखा था वो इनएडिक्यूएट था इनएडुकेट था या जो क्वालिटी थी कैपिटल की वो भी यहाँ पे इनसफिशिएंट थी जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए है ना ये पाया गया इन्होंने जो असेसमेंट किया उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में ये देखा तो इन्होंने कहा ना तो वो आठ परसेंट सफिशियंट है इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा फिर क्वालिटी ऑफ कैपिटल से क्या मतलब है क्वालिटी ऑफ कैपिटल मतलब जैसे बैंक के पास में टायर वन टायर टू वाली रिक्वायरमेंट थी प्लीज हैव ए लुक ये टायर वन टायर टू अब टोटल आपको पंद्रह लाख यहाँ पे करना है मान लीजिए या फिर जैसे हम पंद्रह लाख कर रहे थे ठीक है ना उसी को लेते हैं एग्जाम्पल को ये फिफ्टी का तो थर्टी परसेंट है अब यहाँ पे कोई बैंक अगर करता है कि पाँच लाख यहाँ रख लिया और दस लाख यहाँ पे रख लिया टायर टू में तो ये जो कैपिटल है टायर टू वाली जो कैपिटल है कंपैरेटिवली जो क्वालिटी वाइज अगर देखा जाएगा तो उससे कम है टायर वन से तो बैंक यहाँ पे क्या करेगा क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए टायर वन में कुछ स्पेसिफिक मैंशन कर देगा कम से कम इतना तो टायर वन होना ही चाहिए क्योंकि ये चीज़ फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में हाईलाइट हुई कि जो क्वालिटी थी कैपिटल की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी और क्वान्टिटी भी हो रही थी तो बैंक ने क्या किया बेसल देसल थ्री के अंदर इस रिक्वायरमेंट को जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट थी या कैपिटल टू सी आर ए आर कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेश रिक्वायरमेंट थी उसको दस पॉइंट पाँच प्रतिशत कर दिया और फिर इन्होंने क्या किया वहाँ पे टेन पॉइंट फाइव में से इन्होंने क्या कहा कि इसमें टायर वन कैपिटल रेशो जो है फोर पॉइंट फाइव परसेंट से नीचे नहीं आ सकता है तो ये दोनों चीज़ें क्या हुई एक ने क्वान्टिटी को किया आठ से साढ़े गया और क्वालिटी के लिए इन्होंने टायर वन का मिनिमम यहाँ पर मैंशन कर दिया क्योंकि टायर वन हमें पता है कि इसके लिए बैंक को कोई ऑपरेशन अपना बंद करने की जरूरत नहीं है ये बहुत ही लिक्विड है इजीली हाई क्वालिटी असेट्स हैं जिनको इजीली एक्सेसिबल किया जा सकता है इंडिया ने ये नॉम्स फॉलो किए हुए हैं आज की तारीख में अगर हम देखेंगे आर के पास में जो अपडेटेड है अक्टूबर दो तो यहाँ पर आर कहता है कि हम जो है नाइन क्या है आर के अनुसार जो बैंक्स हैं उनको कम से कम सीआरए आर कितना मेंटेन करना है नो परसेंट मैंशन करना है हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट आगे कर रखी है जैसे बारह परसेंट है या जो भी है लेकिन मिनिमम नाइन परसेंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो जो भी रिस्क वेटेड असेट होंगे बैंकों के रिस्क वेटेड असेट होंगे उसका आपको क्या करना है मिनिमम नाइन तक आपको अपने पास ये क्वेश्चन के रूप में रखना है और क्या चेंजेस बेसल थ्री में किया गया देखिए बेसल थ्री में इन्होंने कैपिटल कंजर्वेशन बफर का एक आ, यहाँ पे एक और एडिशनल लेयर ऐड कर दिया टू uh, इंश्योर की uh, जो है uh, जो भी रिस्क है उसको और अच्छे से कवर किया जा सके तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है एक एडिशनल लेयर है जहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसा बैंक क्या करेंगे एक्स्ट्रा पैसा ऑफ टू पॉइंट फाइव परसेंट है ना जो भी बैंक का टोटल एक्सपोजर है उसके कंपैरिजन में उसका टू पॉइंट फाइव परसेंट बैंक क्या करेंगे एक्स्ट्रा कैपिटल बफर के रूप में अपने पास रखेंगे मतलब इस पैसे को अपने पास रखा जाएगा और ये पैसा कौन सा होगा टायर वन कैपिटल का ही होगा और ये टायर वन कैपिटल में जो आप टू रख रहे हो ये एक्स्ट्रा है ओवर एंड अबव दिस 4.5 परसेंट रिक्वायरमेंट ये 4.5 परसेंट की रिक्वायरमेंट जो है ये यह हमने यहाँ पे देखी थी टायर वन वाली है इसके ऊपर जाएगा 2.5 परसेंट कैपिटल कंजर्वेशन बफर तो एक तरह का आपने क्या किया एडिशनल लेयर यहाँ पे कर दिया कई बार क्या होता है सिक्योरिटी जो होती है उसमें घेरा बनाते हैं ना ये सिक्योरिटी घेरा ये ऐसा तो उसी तरह से एडिशनल एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर के रूप में एडिशनल लेयर यहाँ पे इन्होंने एड कर दिया इन द नेम ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर इसमें ये ध्यान रखना है टायर वन कैपिटल ही होता है मतलब जो बैंक का कोर कैपिटल है वही होगा जिसमें बैंक को आसानी से वो पैसा अवेलेबल हो जाएगा बिना उसके फंक्शंस को कोई भी नुकसान पहुंचाए इट बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 2013 अब 2013 के बाद फेज्ड मैनर में धीरे धीरे इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है और यहां पे बेसल थ्री जो फ्रेमवर्क है उसने एक और चीज ऐड की और ये है लिक्विडिटी कवरेज रेशो कई बार यूपीएससी इसी तरह से पूछता है सी ए पे कई बार पूछा हुआ है लिक्विडिटी कवरेज रेशो अब इसमें कोई ज्यादा डिटेल में मतलब आपको पीएचडी नहीं करनी है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ध्यान रखना है तो जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारा हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशो के अंदर क्या होगा ये भी ऐड किया गया लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स के लिए तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है ये एक तरह से जो बैंक के हाई क्वालिटी लिक्विड असेट हैं है ना बैंक के हाई क्वालिटी जो लिक्विड असेट हैं उनका एक परसेंटेज के रूप में होता है टोटल नेट कैश फ्लो के परसेंटेज के रूप में ठीक है तो बैंक का मान लीजिए टोटल नेट जो कैश फ्लो है थर्टी थर्टी डेज का एक एवरेज निकाला जाता है तो मान लीजिए यहाँ पे फिफ्टी लैख यहाँ पे आ रहा है ठीक है फिफ्टी लैख कैश यहाँ पे नेट कैश फ्लो है बैंक का तो क्या इतना ही पैसा बैंक के पास में है या नहीं है अवेलेबल है या नहीं है हाई क्वालिटी लिक्विड असेट मतलब ईजिली उसको इतना कैश अवेलेबल होता भी है या नहीं होता है तो मान लीजिए हम देखते हैं कि बैंक के पास मान लीजिए एक लाख है हाई क्वालिटी लिक्विड असेट तो ये हंड्रेड परसेंट से ऊपर है है ना क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट हंड्रेड परसेंट तो रखी ही गई है अदरवाइज़ क्या होगा अगर हंड्रेड परसेंट से कम है तो फिर कॉज ऑफ कंसर्न हो जाएगा क्यों क्योंकि बैंक अपने कैश जो ये है जो नेट कैश फ्लो अमाउंट है उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहा है तो एक तरह की लिक्विडिटी क्राइसिस वाली सिचुएशन हो जाएगी तो इसके आधार पर लिक्विडिटी कवरेज रेशो के आधार पर क्या पता लगाया जाता है कि अगर किसी बैंक का सो से नीचे आ रहा है है ना तो ये आइडिया लगाया जाता है कि हाँ मार्केट के अंदर जो है कुछ आ, इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ठीक है कोई शॉक यहाँ पे क्रिएट हो सकता है तो एक तरह से क्या हो गया ये पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेता है एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट के रूप में ये काम करता है क्यों जैसे ही ये हंड्रेड से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे बैंक जो है सतर्क हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ठीक है तो इसके माध्यम से शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी डिस्ट्रप्शन है उनको रोकने का प्रयास किया जाता है दिस इज द लिक्विडिटी कवरेज रेशो और आर बी आई यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है और उसमें आर बी आई ने ये कहा कि हमारे पास में जो रिस्क वेटेड असेट रेशो है मतलब सी आर ए आर जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ये सिक्सटीन परसेंट है जबकि रिक्वायरमेंट क्या है नाइन परसेंट है और हमने इसको सिक्सटीन परसेंट रखा हुआ है तो ये क्या बता रहा है ये आर बी आई ये बता रहा है कि हमने जो रिस्क है उनको कवरेज करने के लिए हमारे पास में एडिकुएट कैपिटल है एडिकुएट पैसा हमारे पास है फिर यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक और स्टेटमेंट दिया गया कि हमारा जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो है ये भी 68 परसेंट पे है ये प्रोविजनिंग कवरेज रेशो क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशो जो है ये इसमें क्या होता है बैंक अपना जो प्रॉफिट है उसके एक पोर्शन को अलग रखता है एज ए प्रोविजन अगेंस्ट द बैड लोन उसके जो बैड लोन है उसके कंपेरिजन के अंदर तो बैंकों का जो भी प्रॉफिट है उसका एक पोर्शन अलग से रखा जाता है तो अगर पी अगर ज़्यादा है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो जनरली ज्यादा है तो ये अच्छा समझा जाएगा क्यों क्योंकि बैंकों को अगर लॉस भी हो रहा है उनके बैड लोन्स हैं एन हैं उसमें से अगर उनको नुकसान भी हो जाता है एनपीए पी एक तरह का लॉस ही हो गया तो वो अपने जो लॉस है उसको कवर करने के लिए उनके पास में एडिकुएट एडिक्वेट कैपिटल है मतलब एडिक्वेट उनके पास में पैसा है तो अगर पी ज्यादा होगा तो अच्छा समझा जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रोविजनिंग का कवरेज रेशो क्या ज्यादा होना चाहिए क्या कम होना चाहिए समथिंग लाइक दिस ठीक है एक और यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक और चीज है जिसे आपको ध्यान रखना है यह है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो इसमें क्या है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को लोन uh, के कंपैरिजन में भी बताया जाता है कि लोन टू डिपॉजिट रेशो क्रेडिट एक तरह का लोन ही हो गया लोन टू डिपॉजिट रेशियो कितना होना चाहिए अगर ये आपका सौ परसेंट से ज़्यादा चला गया हंड्रेड परसेंट से ऊपर चला गया तो फिर दिक्कत है क्यों क्योंकि ये आपका बता रहा है कि आपके जितने डिपॉजिट्स हैं मान लीजिए सौ रुपये डिपॉजिट हैं ठीक है आ, तो दिस शोज हाउ मच ए बैंक लैंडस आउट ऑफ इट्स डिपॉजिट कि अपने डिपॉजिट का कितना ये यह यहाँ आगे जो है लैंड कर रहा है उधार दे रहा है कोर जो फंड्स हैं क्योंकि जो भी डिपॉजिट यहाँ पे किए जाते हैं देखिए बैंकों के अंदर जो भी डिपॉजिट हो रहा है ये आपको पता है कि बैंक के ऊपर क्या है लाइबिलिटी है लेकिन ये बैंकों के क्या है कोर फंड मतलब है कोर फंड मतलब इजीली रेडिली अवेलेबल फंड है बैंक को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ये डायरेक्ट फंड उसको अवेलेबल हो गया बैंक तो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है और फिर आगे ये लोन के रूप में दे देगा तो जो भी पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट के रूप में है ये इसका कोर फंड है कोर कैपिटल है इसी को ये लैंडिंग के लिए यूज़ कर रहा है लेकिन होता क्या है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो अगर ज़्यादा है है ना मतलब बहुत ज़्यादा है जनरली हम ये समझते हैं कि एट्टी नाइन्टी परसेंट तक तो ठीक है लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये ओवर स्ट्रेच करेगा बैलेंस शीट को ठीक है फिर कैपिटल एडिक्वेसी के इशू हो जाएंगे तो इन uh, जनरल ये समझा जाता है कि हाँ एक लमसम एटी नाइनटी परसेंट तक रहना चाहिए अगर ये ज़्यादा हो जाएगा इसका क्या मतलब है आपके पास में जो कोर फंड्स हैं उससे ज़्यादा आप यहाँ पे लोन दे रहे हो और अगर आपका एन हो जाता है तो आपके पास में सफिशियट कैपिटल नहीं है टू कवर दैट लोन तो वैसे अगर आपका ज़्यादा है तो ठीक है मतलब एक सफिशेंट अमाउंट में एट्टी तक भी है तो अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है बैंक की ठीक है मार्केट में क्रेडिट डिमांड अच्छी है ये सब चीज़ें बता रहा है लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो तो ये बताएगा कि हाँ ओवर स्ट्रेच हो चुकी है बैलेंस शीट और एडिक्वेसी के रिशो भी रहेंगे तो ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशो के बारे में भी ध्यान रखना तो ये बेसल नॉर्म्स हैं ठीक है और इससे जुड़ी हुई जो टर्म्स हैं वो सारी हमने यहाँ पर देखी हैं जहाँ तक हम एन और इससे रिलेटेड रिस्क की बात कर रहे हैं तो देखिए जो बैंक्स हैं बैंक्स लोन देते हैं तो जिस तरह का फाइनेंशियल एक आ, सिचुएशन है पूरा का पूरा क्लाइमेट बना हुआ है तो आज पे आज के टाइम पे हम देखते हैं काफ़ी सारे नए रिस्क क्रिएट हो रहे हैं चाहे वो कोविड पेंडेमिक से रिलेटेड रहे अभी कोविड पेंडेमिक वाले कम हैं लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ मार्केट में बनी हुई हैं जो भी मेजर कमोडिटीज़ हैं जैसे ऑयल है उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल बनी हुई है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर है अनसर्टेनिटीज़ देयर क्योंकि सप्लाई चेन रिलेटेड रिस्क वापस से आ गए हैं जैसे सेमीकंडक्टर सप्लाई वगैरह ये सब हों ठीक है तो इसी को ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये नॉर्म्स बनाए जाते हैं ये जो बेसल नॉर्म है ये क्या करेंगे ये इंश्योर करेंगे कि ये जो भी उथल फुथल मच रही है इसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको ज़्यादा नुकसान ना हो है ना हम फाइनेंशियल सिस्टम को जैसे कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर होती है किसी भी देश की सीमाएँ होती हैं उसके लिए आर्मी को तैयार किया जाता है तो इसी तरह से ये क्या कर रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई भी वॉलीटाइलिटी आती है तो उसको मैनेज किया जा सकता कोई भी प्रॉब्लम आती है क्राइसिस आया है तो क्राइसिस को आने से पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लें ठीक है, है तो इसी परपज़ से ये बेसल नॉर्म्स चलते हैं और ठीक है दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात करेंगे ओके जो तो कि अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू और इस पर अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुआ है इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी इसकी चर्चा है तो इस पूरे इशू को नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते हैं दिस इज ऑल फॉर टुडे और ट्वेंटी सेवन्थ मार्च को आपके लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है फ्री आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं घर बैठे यू पी एस सी की कम्प्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अन अकेडमी की तरफ से अभी आपको ट्वेंटी परसेंट फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है सभी सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर जो प्लस कॉम्बो है जिसमें आपकी प्री मेन्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन इंक्लूड है ये फोर्टी नाइन थाउजेंड की फीस के साथ आपको अवेलेबल हो जाता है सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं पुट द कोड आर बाइट टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइस गाइडेंस सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक या आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है या आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल की फीस है लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर जीरो परसेंट पे लोन ले सकते हैं इसके अलावा सोलह मार्च से आपके नए बचेज स्टार्ट है जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं दिस इज ऑल डोंट को टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल द बेस्ट ग्रेट